त्रिपुरा की देवतुल्य जनता की आत्मीयता को अपनत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बार फिर उन्होंने हम पर भरोसा जताया है और आने वाले 5 वर्षों में गोविंदपुरा की जनता के भरोसे की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी, ये सिर्फ कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रमजाल था। कांग्रेस को किसी भी तरह अपनी उपस्थिति मध्य प्रदेश में दर्ज करानी थी। पूरा प्रदेश ये जानता है कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी, धोखा देने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, ये प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया। बहुत प्रचंड बहुमत से हम लोग विजयी हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हम 5 वर्षों तक सरकार के रूप में भी, जनप्रतिनिधि के रूप में भी क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। अब वो समीक्षा होगी, मेरी पार्टी का नेतृत्व समीक्षा करेगा, उसके बाद हम तय करेंगे कहाँ कमी रह गई। भाई बताइए आपकी जीत को। भोपाल के लोगों का शुक्रिया, मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता का शुक्रिया और भोपाल ने एक इतिहास फिर रचा कि नफरत की आंधी को रोका और मोहब्बत को कामयाब करा। लेकिन भोपाल का रिजल्ट देखा जाए, आप उत्तर और मध्य को छोड़कर बाकी तो उस पर अभी बात करेंगे, बहुत सारी बात करने की, ऐसा क्यों हुआ सोचना चाहिए, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ उससे हम निराशा में जाएं, ये नहीं है। 24 हमारा लक्ष्य है, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या मध्य को लेकर चुनाव लड़ा था आपने जनता के बीच में? आप देखो, मैं तो शुरू से कहता था कि मेरा चुनाव जनता लड़ाएगी और परिणामों ने साबित कर दिया कि जनता नहीं लड़ाया और मुझे हर जगह से हर व्यक्ति हर समाज का वोट मिला, तो ये निश्चित रूप से जनता नहीं चुनाव लड़ाया। लेकिन इस पर बहरहाल गौर करने की बात है कि इतना परिणाम जो सोचे नहीं थे जिस तरह से रिजल्ट आए, बहरहाल उस पर बात करेंगे। आपके जो अगेंस्ट थे ध्रुव नारायण सिंह, तरह तरह के आरोप भी आप पे लगाते रहे, जनता ने जवाब दे दिया।